हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती मेकओवर। कैसे हैं आप सब? आगे बार सब बहुत अच्छे होंगे। अभी कुछ दिनों से ना मैं इतनी ज्यादा बिजी चल रही थी कि मैं ना रेगुलर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर पा रही थी, ना ही मैं कोई लॉन्ग वीडियोस अपलोड कर पा रही थी। और बहुत ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा बिजी हो गई थी ना कि मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने बहुत दिन से ना बिल्कुल भी अच्छे से वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं। बट आज मैं फिर से लेके आई हूँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है, वो तो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आपको बताती हूँ, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है का कंसीलर पैलेट वर्सेस क्रायलॉन का कंसीलर पैलेट। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है कंसीलर, बजट में कौन सा अच्छा है, कौन सी स्किन के लिए कौन सा अच्छा है, सारी डिटेल में आज हम बात करेंगे। तो इसके लिए वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखना। पहली बार है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो लोग मुझे देखते हैं मेरे वीडियो को पसंद करते हैं उन सबको बहुत बड़ा थैंक यू। चलो आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास है दो पैलेट। एक है स्विस ब्यूटी का ये वाला 12 कलर सुप्रा कंसीलर पैलेट, और ये मेरे पास क्रायलॉन का सुप्रा पैलेट जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अब मैं आपको दोनों में से बताने वाली हूँ दोनों की रेंज क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं स्विस ब्यूटी का। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है 12 कलर का ये शेड, जिसमें ना यहाँ पे ग्रीन कलर है, ऑरेंज शेड है, येलो टोन भी दिया हुआ है, और बहुत सारे स्किन टोन के हिसाब से इसमें सारे कंसीलर दिए हुए हैं। ये आपको प्राइस बता दूं तो आपको ये पड़ेगा वर्थ इट। इसका एमआरपी है वैसे 1300 समथिंग और ये आपको 1100 समथिंग का पड़ता है। अगर आप बिगनर्स हो और आप नया नया मेकअप कर रहे हो, आपका बजट ज्यादा नहीं है तो आप इसको परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है ना तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका जो कंसीलर है ना वो बहुत ज्यादा ड्राई है। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ इसका, देखो ये कंसीलर पैलेट है। मैंने जो शेड लिया वो लिया मैंने 01 नंबर का शेड, और यहाँ पे देखो जब मैं इसको रब कर रही हूँ तो ये बहुत ज्यादा थिक बेस है एंड बहुत ज्यादा ये ड्राई भी है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है या फिर अब समर्स में आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है ना, तो उसमें ये वाला जो कंसीलर पैलेट है ना ये बेस्ट होता है। इसमें आपको बहुत सारे शेड देते हैं, 12 शेड देते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अगर बिगनर से आप बिगनर मेकअप आर्टिस्ट है, आपको कलर शेड के बारे में पता नहीं चल रहा है, तो आपको एक ऐसा पैलेट ही ले लेना चाहिए ताकि आप जो है ना इस पैलेट को यूज करके आप बहुत सारे मेकअप कर सकते हैं। एंड अभी आप न्यू बिगनर्स को आपको बहुत सारे फाउंडेशन खरीदने की भी नीड नहीं है। तो ये मुझे थोड़ा सा कम पसंद है क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई लुक देता है, और अगर आप इसको ऑयली स्किन में यूज करते हैं तो भी आपको ना इसमें जो फाउंडेशन है ना इसके ऊपर थोड़ा सा ना आपको ऑयल या फिर सीरम मिक्स करके यूज करना है, तब इसका लुक जो वो बहुत अच्छा आता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे कि ये कितना ज्यादा ड्राई है, ये अच्छे से ब्लेंड भी नहीं होता है ना। अभी मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, कलर बार का जो मैं एसेंशियल ऑयल यूज करती हूँ, आप लोग को पता है ये हर चीज में, मैं उसका एक ड्रॉप इसके बस डालूंगी। आपको इसको यूज करने का तरीका भी ऐसा, आपको इसी में डाल के मिक्स कर लेना है बस। अब आप क्या करोगे, एक फिंगर के हेल्प से या फिर आप जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसके हेल्प से डायरेक्ट आप टैप करोगे और फिर इसकी थिकनेस जो है ना बहुत अच्छी होगी। देखो मैंने अब ले लिया, अब मैंने यहाँ पे किया, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, अब देखो ये कितने इजीली ब्लेंड हो रहा है। तो अगर आप इसमें ऑयल डाल के या फिर ऑयली स्किन में यूज करोगे तो ये ज्यादा अच्छा है। और इसकी कवरेज की बात बताऊं तो ये नॉर्मल टू मीडियम कवरेज है, ये बहुत ज्यादा हाई कवरेज नहीं है। आप बिगनर से पार्टी मेकअप देना चाहते हैं तो पार्टी मेकअप के लिए आप ये वाला जो किट है ना इसको यूज कर सकते हैं। पार्टी मेकअप के लिए बेस्ट है, 1100 रुपए में आपको यहाँ पे 10 से 12 शेड्स मिलते हैं, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। चलो अब आते हैं क्रायलॉन का हम लोग सुप्रा पैलेट के ऊपर। तो ये है क्रायलॉन के सुप्रा पैलेट, मेरी मोस्ट 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 फेवरेट पैलेट है ये, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसमें भी आपको 12 शेड मिलते हैं, इसके सुप्रा आते हैं, डर्मा आते हैं, दोनों आते हैं। अच्छा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं सुप्रा वर्सेस डर्मा भी लेके आऊंगी, आज मैं स्विस ब्यूटी वर्सेस क्रायलॉन लेके आई हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, इसमें भी आपको 12 शेड, आई नो ये बहुत ज्यादा मैसी हो रखा होगा क्योंकि मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, ये मेरा इतना ज्यादा फेवरेट है, बल्कि इसमें कुछ कुछ शेड्स तो खत्म भी हो चुके हैं, जैसे कि ये वाला आप देख सकते हो, ये शेड देख सकते हो, जो ज्यादातर यूज आते हैं ना वो शेड तो कम खत्म हो चुके हैं एंड कुछ शेड तो ऐसे ही अभी तक रखे हुए हैं। एक और चीज बेनिफिट इसका मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका आप लोग ये सोचेंगे कि अगर एक शेड अभी हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं ये खत्म हो गया तो फिर हमको इसके लिए पूरा पैलेट लेना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत लोगों को नहीं पता है जो ऐसे पैलेट आते हैं ना उसके सिंगल यूज भी मिलते हैं। लाइक अगर आपका ये एक शेड खत्म हो गया है तो आप इसको सिंगल परचेज कर सकते हैं, आपको कोई भी शॉप में मार्केट में ये मिल जाएगा, आप कोई भी अच्छे शॉप में जाएंगे जहाँ पे इसका कैटलॉग हो वहां पे आपको ये मिल सकता है।
तो मैं ना जो भी इकट्ठा हो जाता है ना उसका मैं ऐसे सिंगल ले आती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। इससे आपको पूरा पैलेट भी खरीदना नहीं पड़ता है, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता। आपको ये सिंगल वाला समथिंग 400 में आपको मिलेगा। अब पूरा पैलेट की बात करें तो इसकी तो इसका जो प्राइस है ना एमआरपी है वो है 2850, यानी कि 2850 रुपए, जो कि मुझे मिला था डिस्काउंट में 2500 रुपए में। और एक चीज बताती हूँ आप लोगों को, आप लोग कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं स्पेशली मेकअप प्रोडक्ट, तो कभी भी फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से कभी भी ऑर्डर ना करें, कोई भी परचेज ना करें, क्योंकि वहां पे हर चीज का डुप्लीकेट आता है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं आपने बताया क्रैलॉन का ये वाला 2500 का है, बट हमें तो ये 500 में मिल रहा है फ्लिपकार्ट में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप वहाँ 500 से लेंगे वो प्रोडक्ट किसके काम का नहीं होगा, क्योंकि वो सब होते हैं डुप्लीकेट प्रोडक्ट। तो वहां से परचेस ना करें, आइदर आप खुद शॉप जाके करें या फिर नाइका और पर्पल ऐप है ना वहां से करें, क्योंकि वहां पे ना जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो ओरिजिनल आते हैं, ट्रस्टेड भी रहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, ये वाला लेना ना वर्थ इट है। इवन आप एक ये पैलेट ले लोगे ना, आप पार्टी मेकअप से लेकर ब्राइड मेकअप तक सब कुछ कर सकते हो, आपको अलग से कोई भी चीज खरीदने की नीड नहीं है। क्योंकि देखो अगर डार्क सर्किल है तो आपके पास ऑरेंज कलर करेक्टर भी है, येलो टोन में भी है इसमें, और अगर आपके पास कोई बहुत ज्यादा डार्क शेड के आ रहे हैं तो इसमें डार्क कलर है, आप इससे कॉन्टोरिंग कर सकते हो, आप इससे बहुत सारी चीजें कर सकते हो। हर शेड का फाउंडेशन यहाँ पे फेयर मीडियम डार्क टोन हर शेड के लिए, आप इससे कंसीलिंग भी कर सकते हो, आप इससे फाउंडेशन भी लगा सकते हो, हर चीज कर सकते हो, एंड ये मेरे लिए बेस्ट है। अब चलो मैं आपको बताती हूँ जो क्रायलॉन सुप्रा पैलेट है ना इसको आपको कब यूज करना चाहिए। वैसे तो बोला जाता है जो सुप्रा पैलेट है ना उसको विंटर में यूज करना चाहिए, क्योंकि ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसीलिए क्योंकि इसका जो टेक्सचर होता है ना ये बहुत ज्यादा क्रीमी होता है। मैं आपको एक इसका टेक्सचर अप्लाई करके दिखाती हूँ, इसमें मैंने अभी कुछ भी मिक्स नहीं किया, आपको दोनों में डिफरेंस दिखेगा जो स्विस ब्यूटी का था और ये जो क्रायलॉन है ना उसमें, तो इसमें मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, मैं आपको इसका डिफरेंस दिखाती हूँ। इसको मैंने बस लिया और ये बहुत ज्यादा क्रीमी होता है, तो इसलिए ये जो अगर विंटर के लिए बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि विंटर में जो हमारी स्किन है ना वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो ये ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट होता है। और जो डर्मा होता है ना उसके बारे में तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसका भी वीडियो लेके आऊंगी, और उसके पैलेट भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है और विंटर सीजन में आपको सुप्रा यूज करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है, लेकिन मुझे ये इतना ज्यादा पसंद है ना कि मैं पूरे सीजन में, यानी कि मैं 12 महीना इसको यूज करती हूँ, एंड मेरे जो क्लाइंट है ना वो बहुत बहुत ज्यादा खुश होते हैं मैं ये फाउंडेशन यूज करती हूँ जब। और इससे जो आपकी कवरेज, इसकी कवरेज जो है बहुत ज्यादा अच्छी, हाई कवरेज है इस फाउंडेशन की, जो कंसीलर पैलेट की हाई कवरेज है एंड बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो आप लोग एक बार इसको जरूर ट्राई करना है, ये एक किट में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो अगर आपका बजट कम है अभी तो आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें एक ही चीज है कि ये बहुत ज्यादा ड्राई है, थोड़ा सा इसमें आपको ऑयल या फिर स्किन प्रेप बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, और इसमें आपको कुछ भी ज्यादा करने की नीड नहीं है। और ये जो डार्क सर्कल पिगमेंटेशन है उन सबको एक ही बार में हाइड करता है, ये इतना ज्यादा अच्छा होता है। तो अब आप लोग बताओ कि इन दोनों में से आपको कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लगा। देखो मेरा फेवरेट तो ये है, और ये भी मुझे पसंद है, अगर नॉर्मल आपको कहीं पार्टी मेकअप में देना है किसी को नॉर्मल रेंज में और उनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, बहुत स्वेटिंग वाली है, तो आप ये बिल्कुल दे सकते हो, और बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप ये दे सकते हो। तो मुझे तो दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद है, बट दिस इज माई पर्सनल फेवरेट, ये मुझे इतना ज्यादा पसंद है ना। तो अब आप लोग बताओ कि आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताना, एंड बताना कि नेक्स्ट आप लोग और कौन से प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हो, तो वो जरूर लेके आऊंगी। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।